ऑडियो 22 पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2 लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यह प्रभाव प्रातः सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व आरंभ होता है और सूर्योदय तक चलता है। इसी प्रकार सायंकाल सूर्यास्त से लेकर 1 घंटा उपरांत तक यह प्रभाव प्रक्रिया चलती रहती है। इसी बीच साधना के लिए बैठना चाहिए, मुख हिमालय की दिशा में रखा जाए। भारत में अधिकांश स्थानों में हिमालय उत्तर में पड़ता है, किंतु अन्य देशों में वह अन्य दिशाओं में होगा। उन्हें अपना मुख इसी आधार पर रखकर बैठना चाहिए कि वह हिमालय किस दिशा में पड़ता है। एकाकी या सामूहिक बैठने की जहां जैसे व्यवस्था हो वहां वैसा प्रबंध कर लेना चाहिए। जहाँ अन्य साथी नहीं वहाँ एकाकी ही बैठना चाहिए, किंतु जहाँ कुछ दूसरे साथी भी मिल सके वहाँ सामूहिक रूप से बैठना अधिक प्रभावी होगा। एक उद्देश्य से एक स्थान पर एक जैसी मनोभूमि के लोग बैठते हैं तो उनकी संयुक्त शक्ति का लाभ सभी को मिलता है, इसलिए प्रयत्न उसी के लिए करना चाहिए। एकाकी बैठने का लाभ एक व्यक्ति को ही मिलता है, किंतु सामूहिक प्रयत्नों की सम्मिलित प्रतिक्रिया सभी को उस संयुक्त शक्ति का लाभ देती है और वे सभी अपेक्षाकृत अधिक लाभ में रहते हैं। ऐसे संयुक्त प्रयत्नों का प्रभाव न केवल साधकों को वरन समूचे संसार को मिलता है। इस प्रकार संयुक्त साधना से विश्व सेवा का पुण्य अर्जन भी साथ साथ बन पड़ता है। आत्मोत्कर्ष का तीनों शरीरों की प्रखरता का प्रत्यक्ष लाभ तो है ही। यों यह प्रभाव निरंतर उपरोक्त समय पर जारी रहता है और उसे दैनिक रूप से भी उपलब्ध किया जा सकता है, किंतु सामान्यतः यही सुविधाजनक रहेगा कि सप्ताह में एक बार रविवार या गुरुवार को यह संयुक्त साधना का क्रम चलाया जाए। प्रातः सुविधा रहेगी या सायंकाल, यह निर्धारण साधकों की मन स्थिति एवं परिस्थिति को देखकर किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार उसमें फेर बदल भी हो सकता है। इस ध्यान धारणा में सम्मिलित होने के लिए स्नान आवश्यक नहीं है, फिर भी हाथ पैर मुंह धोकर तो बैठना ही चाहिए। वस्त्र अपेक्षाकृत कम रहे, संभव हो तो धुले पहने। स्मरण रहे यह ध्यान धारणा का अभ्यास नहीं अनुदान ग्रहण का प्रयोग है, इसीलिए इसे अभ्यास की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। बादल बरसने की, सूर्य प्रकाश में बैठकर ऊर्जा लाभ लेने की मना स्थिति में ही साधकों को अपना आसन ग्रहण करना चाहिए और पूरे समय इसी मनोभूमि को बनाए रहना चाहिए। अभ्यास के लिए 1/2 घंटा समय निर्धारित है। घड़ी का प्रबंध रखें और उतने ही समय में प्रक्रिया पूर्ण करें। 3 शरीरों के लिए 3 स्तर के इन 3 प्रवाहों को बारी बारी करके एक एक बार प्रयोग करते रहना चाहिए। ध्यान मुद्रा। दिव्य प्रवाह ग्रहण करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर बैठें। अगल बगल की और आगे पीछे की दोनों ही पंक्तियां सही सीध में होनी चाहिए। जिन्हें खांसी जमुहाई आती हो, जो बीमार हो, जिनके घुटने 1/2 घंटा बैठे रहने की स्थिति में ना हो, उन्हें इस ध्यान धारणा में नहीं बिठाना चाहिए। बालकों, अनगढ़, अनबूझों, अर्धविक्षिप्तों को भी नहीं बिठाना चाहिए। वे अस्त व्यस्त हरकतें करते हैं और दूसरों का ध्यान बटाकर विघ्न खड़ा करते और वातावरण बिगाड़ते हैं। अनुपयुक्तों को छूट देना, सम्मिलित करना सारे प्रयत्न को ही अस्त व्यस्त कर देने के समान है। इस संदर्भ में अनुशासन बरता जाना चाहिए और किसी के प्रसन्न होने ना होने की चिंता ना करके निर्धारित अनुशासन बनाए ही रहना चाहिए। गोदी में बच्चे लेकर ना बैठें, बीच बीच में लोग उठते या बैठते ना चलें। इस दृष्टि से समय पर कार्य आरंभ करना चाहिए और पीछे आने वालों को साधकों की पंक्ति में ना बिठाकर कुछ दूरी पर अन्यत्र बिठाना चाहिए, जिससे वे लाभ तो ले सकें, अव्यवस्था फैलाने की गड़बड़ी ना करें। बच्चे अपने अभिभावकों के पास दौड़ धूप ना करने लगें, पालतू कुत्ते बिल्ली अपने मालिकों के इर्द गिर्द मंडराने ना लगें, इसलिए प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए और रोकथाम के लिए चौकीदार नियुक्त किया जाए। सभी ध्यान मुद्रा में बैठें, इसके लिए 6 अनुशासन निर्धारित हैं। इन्हें प्रवक्ता उसी प्रकार बोले जिस प्रकार ड्रिल में कप्तान बोलता है और सैनिक स्वयं सेवक उन काशनों का प्रतिपालन करते हैं। हर काशन के बीच 1-1 मिनट का मध्यांतर होना चाहिए ताकि उस स्थिति को ठीक प्रकार बना सकना संभव हो सके। पहला सावधान। जागरूक, चुस्त, उपेक्षा नहीं, उदासी नहीं,
अस्त व्यस्तता नहीं, दूसरा शांत चित्त, एकाग्रता, एक निष्ठा, तन्मयता, मानसिक अनुशासन, मन के स्वामी, रुकने का आदेश दें, भागने से रोकें, ना चंचलता चलने दें, ना उच्च श्रृंखलता, मन की भगदड़ को दबाएं, दबोचें। तीसरा स्थिर शरीर, अविचल, सुदृढ़, सुनिश्चित, स्थिर चट्टान की तरह डगमगाए नहीं, अंगों को हिलाए नहीं, गर्दन घुमाए नहीं। चौथा कमर सीधी, झुकिए नहीं, सीना ताने, मेरुदंड में प्राण प्रवाह बहने दें, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का मार्ग सीधा रखें। पांचवा हाथ गोदी में, बायां हाथ नीचे, दाहिने ऊपर, दो का मिलन, सहकार एकात्म, प्राण विद्युत का सर्किल सर्किट। छठा आंखें बंद, प्रवृत्ति अंतर्मुखी, प्रवेश अंतर जगत में, गुफा प्रवेश, अंतः पर्यवेक्षण, परिशोधन परिवर्धन, अनात्म प्रवेश पर प्रतिबंध, पलक बंद कपाट बंद, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, योग निद्रा, आत्मस्थ समाधिस्थ। यह आसन सिद्धि का प्रथम सोपान है, इसके उपरांत ध्यान आरंभ किया जाता है। एक दिन एक ध्यान, समय आधा घंटा। यह ध्यान मुद्रा तीनों साधनाओं के आरंभ में करनी होती है, उनके काशन देते समय उनकी उपरोक्त विवेचनाएं भी साथ साथ करनी चाहिए। यह विवेचनाएं एक ही स्थान पर इसलिए लिख दी गई हैं कि छपने में बार बार उनकी पुनरावृत्ति अटपटी न लगे, हर बार हर साधना में इन्हें कहा जाना चाहिए। अंत में पांच बार ओमकार गुंजन इस प्रकार कंठ से करना चाहिए मानो शंख ध्वनि हो रही हो। तीन शरीरों की तीन प्रार्थनाएं करने के उपरांत ध्यान प्रक्रिया तो समाप्त हो जाती है, किंतु इसके बाद भी पांच मिनट तक शांतिपूर्वक बैठे रहना चाहिए। इस अवधि में जो पाया गया है उसे सीखने पचाने की भावना करते रहना चाहिए। उसके बाद आंखें खोलनी चाहिए और सिर आंखों पर हाथ फेर कर योग निद्रा समाप्त करनी चाहिए, इसके बाद ही उठना उचित है। इस साधना को एक प्रकार की ड्रिल समझा जाए, जिसमें एक सूत्र संचालन निर्देश देता है, शेष सभी साधक उसका अनुशासन पूर्वक पालन करते हैं। इस आधार पर हिमालय की शक्ति को ग्रहण धारण करके वे दिव्य अनुदान पाए जा सकते हैं, जिनसे स्थूल शरीर की प्राण ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर की दिव्य दृष्टि और कारण शरीर की सोमपान की देवत्व जैसी मस्ती का आनंद उपलब्ध किया जा सके। सूक्ष्म शरीर से प्रज्ञा तीर्थ में उपस्थिति, यहाँ ध्यान कहाँ बैठकर किया जा रहा है इसके लिए विशेष स्थान पर पहुँचने की धारणा करनी चाहिए। इसके लिए शांति कुंज हरिद्वार की धारणा सर्वोत्तम है। अपने घर नगर में बैठकर ध्यान किया जा रहा है, यह चिंतन हटाकर सोचना चाहिए कि अपना सूक्ष्म शरीर हरिद्वार जा पहुँचा और वहाँ के निर्धारित साधना कक्ष में बैठ कर यह अभ्यास किया जा रहा है। पहला गंगा की गोद, दूसरा हिमालय की छाया, तीसरा दिव्य वातावरण, चौथा दिव्य संरक्षण। इन चार विशेषताओं से युक्त साधना स्थल की भावना बना लेने से प्रतीत होता है कि किसी दिव्य लोक में पहुंचकर साधना की जा रही है। उच्च स्तरीय योग साधना एवं तप श्रद्धा के लिए दूरदर्शी लोग स्थान चयन पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। भगवान राम ने तीनों भाइयों सहित अपना तपश्चर्या अयोध्या में नहीं, हिमालय उत्तराखंड में वशिष्ठ आश्रम के इर्द गिर्द रहकर संपन्न की थी। हिमालय अव्यात्म का ध्रुव केंद्र है। जिस प्रकार पृथ्वी के ध्रुव क्षेत्र पर अंतर्ग्रही अनुदानों का आदान प्रदान होता है, उसी प्रकार हिमालय की व्यापक ब्रह्म चेतना के अनेकानेक अनुदान धरती पर बरसने एवं वहां से क्षेत्रों तथा व्यक्तियों को वितरण करने का सिलसिला चलता है। गंगा को स्वर्ग देवी माना गया है। भागीरथ के तप और शिव के जटाधारण अनुदान का जैसा समावेश गंगा में है, वैसा अन्यत्र और किसी नदी सरोवर में नहीं। गंगा और हिमालय के संयोग वाला क्षेत्र तपोवन कहलाता है। इसमें दिव्य वातावरण अभी भी भरा पूरा देखा जा सकता है। देवात्मा हिमालय उसी क्षेत्र को कहते हैं जिसमें गंगा के सानिध्य में एक विशिष्ट प्रकार की अध्यात्म चेतना का समावेश पाया जाता है। साधना की दृष्टि से यह क्षेत्र इस धरती पर अनुपम है। प्रज्ञावतार की युगांतरीय चेतना का अवतरण क्षेत्र भी यही है।
उसे अध्यात्म गंगा का सामयिक अवतरण केंद्र कहा जा सकता है। जिन्हें उस क्षेत्र में थोड़े समय भी साधना का अवसर मिलता है, वे अनुपयुक्त वातावरण में रहकर चिरकाल तक भजन पूजन करते रहने की अपेक्षा कहीं अधिक लाभ उठा सकते हैं। किंतु यह सुयोग हर किसी के लिए हर समय कहाँ संभव है। इसलिए प्रस्तुत ध्यान धारणा के लिए इतना तो किया ही जा सकता है कि उस समय अपनी उपस्थिति भावना पूर्वक शांति कुंज में मानी जाए। ध्यान का यह प्रथम चरण है। योगाभ्यास में ध्यान को प्रथम माना गया है। यह आसन का अर्थ शीर्षासन आदि नहीं और ना ऊन वस्त्र आदि के विवेचन से संबंध है, वरन उस स्थान के संबंध में संकेत है जहाँ बैठकर रहकर साधना की जाए, जो हर दृष्टि से पवित्र एवं प्रेरणाप्रद हो। उच्च स्तरीय ध्यान का आसन भावना द्वारा नियत निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रज्ञा परिजनों के लिए प्रज्ञा तीर्थ से बढ़कर दूसरा स्थान नहीं हो सकता। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, प्राचीन काल के ऋषियों और देवताओं की चिरकाल तपश्चर्या से भरा पूरा दिव्य वातावरण, यह त्रिवेणी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त चौथी विशेषता प्रज्ञा तीर्थ शांति कुंज की एक और है, जिसे कहीं अन्यत्र पाया जाना शक्य नहीं, वह है दिव्य संरक्षण। साधकों को यहाँ दोहरा संरक्षण मिलता है। प्रज्ञा युग की अभीष्ट ऊर्जा का प्रत्यक्ष उद्गम यहाँ है, परोक्ष उद्गम हिमालय के ध्रुव केंद्र में है। प्रज्ञा तीर्थ में वह प्राण ऊर्जा प्रचुर परिमाण में अनायास ही उपलब्ध होती है, जो प्रज्ञा साधना को सफल बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सहायता करती है। इसके अतिरिक्त प्रज्ञा तीर्थ की सूत्र संचालक आत्माओं का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, सानिध्य, सहयोग, अनुदान का ऐसा लाभ मिलता है जिससे सफलता पथ पर अग्रसर होने में असाधारण सहायता मिल सके, यह संरक्षण पक्ष है। महत्वपूर्ण धर्मानुष्ठानों में संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। शांति कुंज में ऐसे संरक्षण की प्रत्यक्ष व्यवस्था है। इसे गंगा की गोद, हिमालय की छाया, दिव्य वातावरण के अतिरिक्त दिव्य संरक्षण की चौथी उपलब्धि कह सकते हैं। अगली तीन ध्यान धारणाओं में से कोई भी की जाए, ध्यान मुद्रा के उपरांत सूक्ष्म शरीर से अपनी भावनात्मक उपस्थिति प्रज्ञा तीर्थ शांति कुंज में अनुभव करनी चाहिए। यह धारणा जितनी बलवती होगी उतनी ही एकाग्रता बढ़ेगी तथा वैसी ही रसानुभूति होने लगेगी। इस प्रयोजन के लिए ध्यान मुद्रा के 5 संकेत, पहला शांत चित्त, दूसरा स्थिर शरीर, तीसरा कमर सीधी, चौथा हाथ गोदी में, पांचवा आंखें बंद, कार्यान्वित किए जाते हैं। ध्यान मुद्रा बन जाने के उपरांत अपनी उपस्थिति प्रज्ञा तीर्थ में सूक्ष्म शरीर से पहुँचने की भावना की जाए और वहाँ की विशेषताओं को इन 4 काशनों के साथ स्मरण किया जाए। पहला गंगा की गोद, दूसरा हिमालय की छाया, तीसरा प्रज्ञा तीर्थ का दिव्य वातावरण, चौथा प्राण ऊर्जा का प्रखर संरक्षण।